हेलो वेलकम है गाइस, स्वागत है आपका डिफेंस रिसर्च एंड फैशनली सब्सिडियरी फ्रॉम स्टॉक। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर ग्रुप के जो भी डील होने वाली है रिलायंस के साथ, उसको लेकर के जो भी अड़चने आ रही है। तो यहाँ पर एक और न्यूज़ निकल करके आई है जिसको हमारे पास यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से भेजा गया था, एंड वो न्यूज़ मनी कंट्रोल की साइट पर दे रखी है। एंड उसके अंदर बताया गया है कि सेबी ने किशोर बियानी को बैन कर दिया है अगले 1 से 2 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। इसका रीज़न क्या है? देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पर अब इस न्यूज़ को देखने के बाद ये एक उनके कंसेप्शन बन चुका है, इसको कंसेप्शन इसको मिसकंसेप्शन बोलेंगे, कि यहाँ पर मिसकंसेप्शन क्रिएट हो चुका है इन्वेस्टर्स के माइंड में। और वो ये है, अब उनको ये लगता है कि यहाँ पर सेबी ने किशोर बियानी को और उनके अलावा 3 और ऐसे लोग हैं जो उनके रिलेटिव्स में आते हैं, उनको उन्होंने बैन किया है। एंड साथ में इनके अलावा कुछ एंटिटीज़ को भी यहाँ पर बैन किया है। किसने? सेबी ने। अब क्या रीज़न है, बैन क्यों किया है? इसके पीछे रीज़न ये है, 2017 की जो उनकी पेंडिंग इंक्वायरी चल रही थी, मार्च 10 2017 से लेकर के अप्रैल 17 2020 तक, यहाँ पर 20 अप्रैल से लेकर के 10 मार्च, तो इस टाइम के दौरान यहाँ पर ऐसा पाया गया है कि किशोर बियानी और उनके कुछ रिलेटिव्स और कुछ एंटिटीज फॉर्म्स ने जो शेयर्स हैं उनके अंदर ट्रेडिंग करके इलीगल तरीके से काफ़ी पैसा बनाया था, 20 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर पेनल्टी भी इम्पोज की गई है किशोर बियानी के ऊपर, ये बियानी साहब हैं, इनके ऊपर पेनल्टी भी यहाँ पर इम्पोज की गई है 3.7 करोड़ की। तो देखिए, इस न्यूज़ को सभी लोग बहुत नेगेटिव वे में देखते हैं। अब ऐसा लगता है सबको कि ये स्टॉक बहुत नीचे चला जाएगा, फ्यूचर कंज्यूमर का स्टॉक जो है 2 रुपये 3 रुपये पर आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे अब स्प्रेड किए जा रहे हैं जो भी सेंटिमेंट्स हैं। और देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो मनी कंट्रोल है किसकी है, ये इनडायरेक्ट तरीके से रिलायंस कंपनी खुद की है मनी कंट्रोल। और जो भी न्यूज़ उसके अंदर आती है वो जिस लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, आलोक इंडस्ट्री का शेयर हो या फिर फ्यूचर ग्रुप का कोई भी शेयर हो, वो उसी तरीके से न्यूज़ को वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। ये न्यूज़ बिल्कुल भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए, अगर आप देखते हो किसी कंपनी के रिजल्ट आने वाले होते हैं, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, जो भी होते हैं, जब भी किसी कंपनी के रिजल्ट अनाउंस होने वाले होते हैं, उससे 2 दिन पहले उस कंपनी के जो भी इनसाइडर लोग होते हैं उन सभी की जो ट्रेडिंग है उसको बंद कर दिया जाता है, और ये लीगल है। और उसके बाद इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर अभी जो डील चल रही है किसके अंदर, कोर्ट के अंदर फैसला चल रहा है, कल भी उसकी हियरिंग है। तो अब यहाँ पर सेबी ने ये एक राइट डिसीजन लिया है कि यहाँ पर जो किशोर बियानी है और उनके अलावा 3 जो रिलेटिव हैं, 1, 2, 3 और कुछ एंटिटीज फॉर्म्स हैं, इन सभी को उसने बैन कर दिया अगले 1 से 2 साल के लिए, ताकि वो इनलीगल तरीके से अपने ही शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग ना कर सके, एक इनलीगल तरीके से पैसा वहाँ पर जनरेट ना कर सके, रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखा ना हो सके। ऐसा उन्होंने जानबूझ के किया है, या फिर कहीं ये जो किशोर बियानी साहब है कहीं ये अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच करके निकल ना जाए, ऐसे मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो उन पॉसिबिलिटीज़ को, ऐसे लूपहोल्स को बंद करने के लिए ही सेबी ने ये एक्शन लिया है, और ये बिल्कुल ठीक एक्शन है। अगर कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह ऐसे टाइम पर कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटीज़ में आते हैं, अगर वो शेयर्स को यहाँ पर सेल आउट करके डंप करके निकल जाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि आपकी क्या हालत हो सकती है स्टॉक के अंदर। तो ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली स्टेबल करना चाहिए, बिकॉज जो इसके अंदर सेबी को एक्सपेक्टेशन है कि जो इसके अंदर हो सकता है फॉल्स जो भी ट्रेड हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग की है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर होना क्या है, आज इसके अंदर लोअर सर्किट भी लगा है, तो क्या हमें यहाँ पर लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमने हमेशा से आपसे कहा है, जब से ये डील इसके अंदर स्टार्ट हुई थी और स्टॉक यहाँ पर गया था इस लेवल पर, हमने हमेशा मना किया था कि आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, फिर भी काफ़ी लोगों ने किया और स्टॉक आज देखिए कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। बीच बीच में जंप आते हैं तब आप फिर यहाँ पर फंस जाते हो, तो आपको इससे भी फिलहाल दूरी ही बनाए रखनी है। जिन लोगों के पास ये स्टॉक पहले से है, जो लोग ओल्ड इन्वेस्टर हैं, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अभी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएं, बिकॉज ये न्यूज़ जो है आपके लिए ठीक है, टेंशन मत लो। और जिनके पास ये स्टॉक नहीं है, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, अभी वो प्लीज़ इसे थोड़ा सा दूर रहें, अभी डील को कंप्लीट होने दें, थोड़ा सा ट्रेडिंग होने दो, एक लेवल आने दो, उसके बाद हम इसके अंदर पैसा बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो अभी थोड़ा सा दूर रहिए, मौका आएगा तब इसके अंदर ट्रेड लेंगे। जिनके पास पहले से शेयर्स हैं वो आप चिंता ना करो, जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, हैव अ नाइस डे।